हेलो एवरीवन, मैं हूँ गीतिका और आज है 16 जुलाई, मेरा बर्थडे। और मेरा बर्थडे हम मना रहे हैं पेरिस में। तो पेरिस जो है फ्रांस में, फ्रांस की ये कैपिटल है पेरिस, और बहुत ही खूबसूरत ये सिटी है। तो हम लोग बस सब बच्चों के समर वेकेशंस थे, तो हमने सोचा क्यों ना ये समर वेकेशंस छुट्टियों में कुछ ऐसी जगह प्लान कर लें जहां हम जा सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में तो जा नहीं पाते हैं। तो बस निकल पड़े हम फ्रांस और इटली की सैर पर। तो अराउंड ये 9 to 10 days का हमारा ट्रिप था और काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी गर्मी भी थी तो बच्चे भी परेशान हो गए। तो चलिए आज से शुरू करते हैं मेरी ट्रैवल सीरीज़। और यहाँ पे हम हैं अपने लोकल स्टेशन पर, लोकल स्टेशन जो कि है ऑफिकॉन। और यहाँ से हमें पहले ज्यूरिक जाना है। ज्यूरिक का मेन स्टेशन है, वहाँ से आपको सभी जगह जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी इजीली। तो आप जब भी जा रहे हैं तो आपको ज्यूरिक से ही ट्रेन लेनी पड़ेगी। और यहाँ हमारा फोटो सेशन शुरू हो गया है। हमें लग रहा है हमारी फोटो खिंच रही है। और अब हम आ गए हैं ज्यूरिक के स्टेशन पे, जिसे ज्यूरिक HB बोलते हैं। और ये बहुत ही अच्छा स्टेशन है। यहाँ पे कई सारे मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। शाहरुख और काजोल की जो पॉपुलर मूवी है DDLJ, उसकी भी शूटिंग ज्यूरिक स्टेशन पे हुई है। तो बहुत ही अच्छा ये स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन है। यहाँ पे आपको वो ज्यूरिक से कहीं भी जाने के लिए बहुत ईजीली कनेक्टिविटी मिल जाती है ट्रेन की। तो यहाँ से हम अभी ज्यूरिक स्टेशन से अभी हम बेजल जा रहे हैं, और फिर बेजल से हमें पेरिस के लिए ट्रेन मिलेगी। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं ज्यूरिक स्टेशन और यहाँ से हमारी ट्रेन है 10:30 बजे बेजिल के लिए। बेजिल की जो ट्रेन है वो हमें पेरिस पहुँचाएगी। यह है ज्यूरिक स्टेशन और यहाँ 2, 3, 4 स्टेशन आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर ये 9:48 को बेजल स्टेशन आएगा। तो बेजल हम लोग आ गए हैं। ये ट्रेन है फ्रांस टू स्विट्ज़रलैंड, जो फ्रांस और स्विस के बीच में चलती है, और यही इसी से हमें अभी पेरिस जाना है। तो अभी हम बस बैठने वाले हैं ट्रेन में। और अब देखिए हम फ्रांस में एंटर हो गए हैं। काफ़ी सारे स्टेशंस की हालत देख के ऐसा लग रहा था जैसे हम इंडिया में कहीं हैं, क्योंकि काफ़ी खस्ता हालत दिख रही थी स्टेशंस की। तो बस नाम बड़े और दर्शन खोटे टाइप का किस्सा हो गया था। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो हमें पेरिस पहुँचना है। अभी हम फ्रांस में एंटर हुए हैं, तो बस पेरिस हम लोग कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। पेरिस हम लोग पहुँच गए हैं और ये पेरिस का स्टेशन है गेर दे लियोन करके। तो यही पेरिस का जो मेन स्टेशन है यही है, और यहाँ पर हमें उतर के अपने होटल जाना है। तो वेकेशंस के टाइम यहाँ पे काफ़ी रश होता है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो अपना सामान का हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे अपना पर्स, मोबाइल, लैपटॉप, ऐसी चीज़ों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्कैम भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें और गोल्ड वगैरह यहाँ पर अवॉइड कीजिए, या गोल्ड आप मत पहन कर आइए यहाँ पर आप कभी भी आ रहे हैं पेरिस, तो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे स्कैम और ये चोरियाँ वगैरह होती रहती हैं। तो हम होटल पहुंच गए थे और होटल से अभी हम लोग रेडी होकर निकल गए हैं सिटी टूर के लिए। तो ये हमारा होटल था फिनिक्स होटल, बट हम अंदर का बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि टाइम हमारे पास था नहीं, और हमें जल्दी से रेडी होकर निकलना था पेरिस के टूर के लिए, एफिल टावर देखने के लिए। तो बस हम थोड़ी देर यहाँ बाहर थोड़ा सा मैं शूट कर पाई।
और हम निकल गए हैं टूर के लिए। अच्छा ये तो है यार, ये तो है। ये तो दिख रहा है वर्नी बोस चाहिए बस। अरे इसकी फोटो यहाँ से अच्छी आएगी ना, वहाँ से कैसे अच्छी। तो एफिल टावर देखने से पहले ये एक हमने देखा आर्क डे ट्रम्फ इसको बोलते हैं, जहाँ पे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम ये बनाया गया था। और ये जो है फ्रेंच और नेपोलियन के बीच जो वॉर का टाइम था, जब वॉर हुई थी तो उसमें काफ़ी सारे लोग जो थे सोल्जर्स तो जो थे वो शहीद हो गए थे, तो उन सोल्जर्स की याद में ये ट्रम्फ बनाया गया है। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो सोल्जर्स हैं उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं अंदर दीवारों पे, और जो जिनका नाम या आता पता कुछ भी नहीं था उन सोल्जर्स को यहीं पर ही अंदर ही दफना दिया गया था, तो उनकी याद में ये बनाया गया था। तो ये है आर्क डे ट्रम्फ। तो आप जब भी पेरिस आ रहे हैं यहाँ पे ज़रूर आइए और ज़रूर यहाँ पे घूमिए। तो यहाँ घूमने के बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और फिर उसके बाद हम लोग एफिल टावर देखने निकल पड़े। एफिल टावर हमारे होटल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, कुछ 15-20 मिनट का रास्ते पर था। तो सबसे पहले हमने आर्क डे ट्रम्फ देख लिया था, उसके बाद हम लोग उसी की आगे वाली गली से हम लोग निकल पड़े। तो यहाँ से 15-20 मिनट्स गूगल हमें बता रहा था। रास्ते में काफ़ी अच्छे अच्छे स्ट्रीट थे, काफ़ी सारे ब्रांडेड के शोरूम्स थे, तो वो सब देखते हुए हम लोग आगे निकल रहे हैं। यूरोपियन सिटी में काफ़ी चलना पड़ता है, तो जब भी आप आ रहे हैं तो अच्छे से शूज़ कैरी करिए क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। तो काफ़ी देर चलने के बाद हमें ये एफिल टावर दूर से दिख गया, पर ये अभी भी हमें बहुत दूर है हमारे हमसे, ये काफ़ी दूर है अभी। तो अभी हमें 15-20 मिनट्स और चलना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था ये पास में है पर अभी भी काफ़ी टाइम था। तो बहुत खूबसूरत ये एफिल टावर दिख रहा था हमें। यहाँ भी हमने काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक किए, क्योंकि कहते हैं कि एफिल टावर के पास में इतनी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आती है, बट दूर से आप ले सकते हैं फ़ोटोज़, दूर से काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आती है। तो दूर से एफिल टावर पूरा दिखता है, पास में अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, लोहे का ढांचा टाइप का दिखता है। तो कभी भी आप जा रहे हैं पेरिस तो थोड़ा दूर से ही फ़ोटो क्लिक कीजिए। एफिल टावर जो है ये फ्रांस की और पेरिस की पहचान है। ये 1887 से बनना स्टार्ट हुआ था और 1889 में ये पूरा बना था। इसे 2 साल लग गए थे करीबन बनने में, और इसकी हाइट जो है वो 330 मीटर है करीबन, जो करीबन 81 फ्लोर के हिसाब से इसकी ऊंचाई है। काफ़ी ऊंचा है ये और बहुत खूबसूरत दिखता है ये। तो हर रास्ते का मज़ा लेते हुए हम निकल रहे हैं एफिल टावर की तरफ। समर वेकेशंस में यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, और ये पहुँच गए हम एफिल टावर के पास में। ये इसके सामने काफ़ी बड़ा गार्डन था, तो वहाँ पे ही हम लोग बैठ गए थे और काफ़ी देर हमने एफिल टावर को बैठ के निहारा, उसकी खूबसूरती को निहारा। बहुत अच्छे से हम लोग ने यहाँ पे अपना बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया, और हम लोग काफ़ी देर घूमने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स हमने क्लिक किए। इसे लव टावर भी कहते हैं, यहाँ पे मैरिज प्रपोज़ल भी बहुत होते हैं, लड़के लड़कियाँ अपना प्रपोज़ल यहाँ पे करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा है एफिल टावर का। जब भी आप आएँ तो एफिल टावर ज़रूर देखिए, फ्रांस आके पेरिस आके।
यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आपको, जब भी आप यहाँ इस तरफ आ रहे हैं तो अपना पानी का बॉटल ज़रूर कैरी करिए, क्योंकि पानी का बॉटल बाहर तो मिल जाता है बट काफ़ी कॉस्टली यहाँ पर ये लोग बेचते हैं, और यहाँ पे वॉशरूम का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो ध्यान रखिए आप। और हम निकल पड़े हैं एफिल टावर के बाद, अब वापस हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी देर यहाँ पे हमने स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। और अभी रात के 9 बज रहे हैं बट यहाँ पे अभी समर में यहाँ पे काफ़ी लेट होता है अंधेरा, तो 10 बजे के बाद ही यहाँ पे अंधेरा होता है। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं, हम लोग वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। और ये स्ट्रीट्स देखिए, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट्स हैं, सारी जो इमारतें वगैरह ऐसे हैं कि बहुत पुरानी आपको लगेंगी पर काफ़ी खूबसूरत ये है। और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम लोग आ गए अपने होटल में। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ताकि और इसे अच्छे अच्छे वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकूं। और अभी मेरे इटली के भी आने वाले हैं वीडियोस, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।